आपका प्यार सो पर्पस नंबर वन तो ये है कि आपको भेजना है किसी को, तो अपने आप को भेजना है। मान लो ऑफिस में काम किया, अपने आप को ही भेजना है, तो पीएसडी अपलोड करनी है, तो फिर तो जिप बनानी पड़ेगी, राइट। बट इन केस इफ यू सेंडिंग टू योर क्लाइंट या किसी को, तो पीएसडी इज नॉट एन एडवाइजेबल फाइल टू सेंड। हाँ, ग्रुप में भी, ग्रुप में सेंड कर सकते हो आप, यू डू इट विद पर्पस, तो आप खुद भी चाहते हो ग्रुप में सेंड करना तो कर सकते हो, सामने वाले को आपको दिखाना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कितने गुड मॉर्निंग। लोग हैं? अभिलाषा, लक्ष्मी, नीला, ओके, ठीक है। सो आई थिंक सब कंट्रोल में है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स हैं, शेयरिंग हो चुकी है, सो विल स्टार्ट विद द सेशन। और ठीक है, तो आप लोगों ने लास्ट रिकॉर्डिंग देख भी ली होगी और सेशन भी ले ही लिया था, तो आपको आइडिया मिल गया होगा काफी चीजों का, ट्राई वगैरह मारते रहना, ठीक है ना। आज हम, जैसे हमने लास्ट टाइम कुछ कर रहे थे ना हम एनिमेशन वाला, सी आई कम अक्रॉस समथिंग एंड देन आई थॉट आई शुड बी शेयरिंग इट विद यू। सो व्हाट विल डू, लेट्स से मैं यहाँ पे गया गूगल में और एक मैंने कोई इमेज ले ली वाटरफॉल की, राइट। तो कोई अच्छा सा वाटरफॉल का इमेज ले लेते हैं, और विच वन विल बी गुड, विच वन विल बी नाइस, लेट मी जस्ट फाइंड आउट, लेट मी जस्ट फाइंड आउट, चलो ये अच्छा लग रहा है, सीधा सीधा है ना सामने से। तो हम क्या करते हैं कि हो गई डाउनलोड, हम इस इमेज को जो है वो कॉपी कर लेते हैं, राइट। हम क्या करने वाले हैं, हम इस वाटरफॉल को चलाएंगे, ठीक है, फोटोशॉप में चलाएंगे। तो राइट क्लिक करके इसको कॉपी इमेज करते हैं, और कॉपी इमेज करने के बाद इसको फोटोशॉप में जाके न्यू डॉक्यूमेंट, क्लिपबोर्ड, ओके कर दिया, और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अरे अरे, थोड़ी छोटी सी आई है, बहुत छोटी सी है, नो आई नीड अ बिगर वन, थोड़ा सा तो पिक्सलेशन दिखाई देगा, सो विल टेक समथिंग व्हिच इज बिगर इन साइज, मे बी लाइक दिस, ओके। सो आई एम गोइंग टू से जस्ट कॉपी दिस इमेज एंड फोटोशॉप एंड न्यू फाइल एंड क्लिपबोर्ड, और यहाँ पे, अरे भाई एक बार में आ जाया करना, क्या चक्कर है, क्यों नहीं आती एक बार में? ओके, सो दिस इज एन इमेज, ओके। सिंपल है, सिंपल है, और सिंपल तरीके से समझना ना, तो मैं कोशिश करूंगा कंफ्यूज करूं और ना आप कंफ्यूज होना। तो दिस इज अ लेयर, सिंपल है, काम करते हैं इस को पॉलीगनल लासो से, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ना वाटरफॉल का, ये जो वाटरफॉल वाला एरिया है, इसको हमने लासो टूल से ले लिया, इसको लेयर कन्वर्ट कर लेंगे। कमांड क्या है, कंट्रोल
जे, इसमें लेयर बन गई क्योंकि नीचे वाली तो पूरी एक फ्लैट इमेज थी। एक कंट्रोल जे किया, एक और कंट्रोल जे कर देते हैं, समझ में आई। अब जो ऊपर वाला कंट्रोल जे किया अभी अभी, उसको पहले वाले के अंदर डाल देंगे। क्या कर देंगे? अभी तो बराबर साइज के हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अंदर चला भी जाए ना चले जाए, लेकिन हम इसको चलाने वाले हैं ना वाटरफॉल को, तो हम अंदर डालने की कमांड, क्लिप करने की कमांड क्या है? ऑल्ट कंट्रोल जी। तो ऑल्ट कंट्रोल जी किया तो ऐसे हो गया। समझ आ रहा है? अभी तक तो कोई टेंशन नहीं है ना। अब कंट्रोल टी करेंगे, किसको? ऊपर वाले को। ऊपर वाले को क्या किया? कंट्रोल जी, ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है ना। ऐसे इसलिए किया क्योंकि जब हम जब ऊपर वाला बड़ा हो गया ना, तो ऊपर वाला जब ऐसे दिखाई देगा तो ऐसा लगेगा ना ऐसे वाटरफॉल चल रहा है। तो ये ऊपर वाला है, उसी के अंदर ही नीचे वाला भी है, वो क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा अलग अलग, क्योंकि उसी शेप के अंदर ही क्लब्ड है। यहां तक अभी तक हमने बस इतना ही काम किया है, इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अभी क्या करेंगे अपन? चलेंगे कहाँ? टाइम लाइन पे। ये रही टाइम लाइन, जो भी आ रहा हो उस पे ऐसे क्लिक कर देना, है। हमें किसी भी लेयर पे काम नहीं करना, हमें सिर्फ इसी लेयर पे ही काम करना है। तो लेयर टू कॉपी को ऐसे कर, समझ में आई बात? अब यहां पे एक ये मार्कर होता है, ये मार्कर, यहां पे है पोजीशन। पोजीशन स्केल नहीं होता, पोजीशन होती है। कोई चीज यहां है और यहां है, यहां पोजीशन पे, यहां पोजीशन पे। पहली पोजीशन इसको बस ऑन कर लेना है, इस पे जाना और ये यहां पे मार्कर को क्लिक कर, ऑफ रहेगा तो ऑन कर दे। और कुछ नहीं किया ना मैंने, जहां पे था जैसा था वहां पे बस ऑन कर दिया, बता दिया कि भाई सब यहां से शुरुआत है। और इस मार्कर को उठाना और एंड पे ले जाना। कुछ अभी और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, फिर इसको बोल देना फिर से ऑन। अब मैंने मूव तो किया ही नहीं, पोजीशन तो बदली नहीं, तो इस वाले मार्कर पे हमें क्या करना है? पोजीशन को बदलना भी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इसको चला के देखें, लग रहा है ना जैसे कि वाटरफॉल फॉलोड। अंडरस्टूड? सो दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, यू कैन थिंक इन सो मेनी वेज। बिना कुछ आपने ना वीडियो एडिटिंग सीखनी है ना कुछ नहीं करना, और बड़े आराम से कर सकते हो। मेरे मेरे माइंड में 10,000 आइडिया आ गए इस टाइम पे। जैसे कोई मेरे को एक छोटी सी इमेज बनानी है, आपने बहुत सारी लेयर बना ली, एक एक लड़की की फोटो मैंने ऐसे कर ली, एक ऐसे कर ली, एक ऐसे कर ली, तो यहाँ पे कुछ और आइडिया, लेयर खोल दी इस वाले पे, इसको और खोल दी, बन गई ना ऐसी, दिखती है ना आपको खूब सारी तरह तरह की। हाँ बताओ। हाँ सेव सेव डिफ कर लेंगे, क्या दिक्कत है? बोलो, ये हो गई, देख रहे हो? और इसको करने के बाद अब आप इसको सेव करना चाहते हो, किसी ने बोला मेरे को इसको सेव करना है, तो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस करना और जिफ कर देना यहां से, और सेव कर देना। मेरा कंप्यूटर बड़ा पावरफुल होता था, पता नहीं इसको क्या हो गया, टाइम लगाता है। चल यार, देखो और टक ही गया है तो। चल भाई, लास्ट टाइम टाइम भी ऐसे ही हैंग किया था।
सिमिलर हुआ है कुछ, डन कर दिया, कैंसिल कर दिया, सेव कर दिया। करेगा नहीं, चलो ये तो खुल गया, अभी हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। चलो अब फिर से एक बार कंट्रोल शिफ्ट टेस्ट करते हैं और जिफ जेपीजी की जगह जिफ करते हैं और इस, अरे यहीं पे प्रॉब्लम शुरू कर देता है जिफ करते ही। ऐसा क्यों करता है ये? कोई खास वजह हो सकती है क्या? हम इसको छोटा करके देखते हैं, इसका बहुत साइज छोटा करके। नहीं इस बारी तो ये लट्टू ही घूम रहा है इसका। चलो एंड टास्क कर देते हैं। बट आई थिंक आपको समझ में आया कि नहीं आया? सो इट कुड बी अनदर थिंग, इट कुड बी लेट्स से कार ऑन रोड कर दिया ऐसे, तो कोई कार ऑन रोड है। सेव अप तो हो ही जाएगा, हो सकता है मेरे कंप्यूटर के रिसोर्सेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो। सो यहाँ पे इतनी सारी कार है, अपन क्या करेगा कि कॉपी करेंगे इमेज को और फोटोशॉप के पहले ओपन कर लें और एक कार को हमें रोड से हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोड से उस हटा के उसको लेयर बनानी पड़ेगी ना। तो क्या करेंगे? इस कार को यहां से लेते हैं और इसको तो कंट्रोल जे कर देते हैं और बाकी इस रोड को इससे हटा देते हैं। रोड को क्लीन कर दे और क्या करो, पैच ले ले। ये तो ज्यादा ही हो गई। क्या भाई प्रॉब्लम क्या है? कर क्या रहा है? यहां से कर ले रहा है, यहां से क्यों नहीं कर रहा? श्योर, चलो इसको थोड़ा टेंशन क्या है? हम नहीं तो क्या करेंगे, इसको इसको ना लेके लासो ले लो और लासो में जाके एडिट में जाके फिल करना और फिल को क्या करना, कंटेंट अवेयर कर देना। थोड़ा सा तो आ गया और फिर आप चाहो then you can actually go to the patch tool
है। हम कुछ गड़बड़, अरे हाँ गड़बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं हम। लेयर टू पे लगे हुए हैं काम करने के लिए, हमें काम करना है लेयर वन पे, और ये लेयर टू भी इस टाइम पे कुछ गड़बड़ हो गई होगी। देखो कैसी कर दी मैंने कार को, तो इट आई हैव टू गो टू ऑल द वे बैक, तभी मैं कहूँ चक्कर क्या है। तुम भी नहीं इनलाइटन कर रहे मेरे को, है बताओ तो सही कि कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। तो हम क्या करते हैं, सबका झंझट फिर से हटाते हैं और पेस्ट करते हैं आगे, और इसको जाने के बाद क्या करना है हमें, इस कार को यहाँ से हटा देना है। कंट्रोल जी, इसको बंद कर दो, इस पे काम करना है आप। और इस पे काम करते टाइम क्या करेंगे, बस पैच टूल उठा के चलाते रहना, हल्का हल्का चलाते जाओ ताकि ये चीज धीरे धीरे खत्म होती चली जाए। अरे मैंने कुछ गलत तरीके से हटाया, मैं इसको कंटेंट अवेयर से पहले हटाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको हट गया ना, हो गया काफी हद तक ठीक, टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइम लग रहा है तो प्रॉब्लम हमारी है, फोटोशॉप की नहीं है, हम उसको कोई अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। सो इट शुड नॉट बी द केस, आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे ट्राई मारते रहा करो कि क्या सिचुएशन है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल भी ये सब टेंशन ले ना लेके काम करने वाले काम होते हैं। देखो मिनटों में हो गया काम, कुछ नहीं किया मैंने मैंने अभी क्या है, ये यहाँ पे है गाड़ी, गाड़ी को थोड़ा पीछे कर लेते हैं भाई, थोड़ा दिखाई भी तो दे दूर से। यहाँ कर लिया है, ये लेयर है, टाइमलाइन में जाएंगे, एक मिनट का काम था, मैंने 5 मिनट लगा दिए, इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि बच्चे कंफ्यूज हैं, स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत अजीब सा लगता है। तो बड़ी सिंपल सी चीज थी है, सो ऐसा कुछ नहीं था। सो क्या किया है यहाँ पे, ये मार्कर रखा हुआ ये वाला, इसको पोजीशन ऑन करके ऑन कर दिया है। इस मार्कर को उठा के कहाँ लेके जाना है, एंड पे ले जाना और फिर से ये पोजीशन ऑन कर देना, और इस वाली पोजीशन के ऊपर यहाँ कर देना। अब चला के देखें चल गई, बाकी गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं, देखो सबसे बढ़िया चीज, बाकी को पीछे ले आना, लॉ ऑफ ग्रेविटी पूरा का पूरा चैलेंज हो जाएगा, नहीं लॉ ऑफ रिलेटिविटी इनफैक्ट। तो हम एक को आगे दो को पीछे कुछ भी कर सकते हो तुम इसके ऊपर बच्चे को बिठा दो, कुछ भी कर दो बाय, कुछ भी यू कैन पुट एनी एनीथिंग, दोनों को साथ साथ चला दो, इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, सो इट इज इजी। इसको एक बारी फिर से देखता हूँ सेव करके, एक काम करते हैं इस टाइम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, साइज इमेज का साइज इसका बहुत बड़ा है नो डाउट, इसको मैं 5 इंच का कर देता हूँ, अभी ठीक है ना, अब शायद सेव होना में आसानी हो जाए। तो मैं जानबूझ के इसको सेव कर रहा हूँ, जिफ बनाने के लिए आपको कीबोर्ड पे तीनों कमांड दबा दिया करो, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट तीन और सेव, एस फॉर सेव, एंड देन यू शुड डू व्हाट, जेपीजी की जगह जिफ। अब जिफ अब हाँ ठीक कर दिया, रुक गया, और इसको यहां से चला के भी देख लो, देख लो जिफ का प्रीव्यू भी दिख रहा है आपको ना, ताकि आपको पता चल जाए, नहीं बनाने के बाद ही पता चले, तो यहीं से आप देख भी सकते हो है कि जेपीजी पे नहीं आएगा ये प्रीव्यू, क्योंकि ये वाला बटन ही नहीं आएगा, ये जिफ पे ही आएगा, पीएनजी8 पे ही नहीं आएगा, ये सिर्फ
जे पे आएगा, आ गया, और इसको सेव कर दो। सेव करके इसको टेस्ट एनिमेशन जैसे मैंने यहां लिख दिया, सो आई कैन जस्ट टेस्ट दिस एनिमेशन एंड दिस इज देयर। ऑलराइट, एंड व्हाट इफ आई डू इट फोटोज एंड वीडियोस एंड टेस्ट एनिमेशन इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। इज इट एनीथिंग? नहीं चल रही मोबाइल में, देखा आप लोगों ने अपने में भी। वैसे है तो ये चलती हुई फाइल ही, देखो यहाँ तो चल ही रही है, बट सर नहीं चल रही मोबाइल हाँ तो हो सकता है मोबाइल पे ना चल रही हो, लेकिन ये है जिप फाइल, तो हमें वो कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी। मोबाइल की कैपेबिलिटीज में हमें कौन सा फाइल का कोडेक हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कोडेक हो जो इसमें इन्वेस्ट नहीं हो पाया है, बट इट शुड रन बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ जिप फाइल ऑन ऑन आपने मोबाइल। सेंड करते टाइम इमेज में जाके सेंड किया ना, इसकी वजह से शायद इमेज में कन्वर्ट हो गई। Somebody in the online has given me an idea. Can there be some other setting while saving? So let me just check. That save for web तो ठीक है, हमने GIF बनाया, perpetual बनाया, selective adaptive इसमें से कुछ जो color का subject था, colors, dithering, transparency, interlace, web snap, convert to this thing. Can there be anything which is relating to the what? Forever is okay. Looping animation. You know what is looping animation? Looping animation मतलब वो loop में चलती रहेगी लगातार, एक बार चल के बंद नहीं होगी। Matte, diffusion, perpetual, interlace, web snap, glossy. क्या कर सकते हैं? कोई GIF 128 का restrictive नहीं कुछ। My Photoshop GIF is not working in WhatsApp. इससे बढ़िया तो कुछ सर्चिंग नहीं हो सकती ना। तो my Photoshop GIF is not working in WhatsApp. क्यों हम इधर उधर से ज्ञान इकट्ठा करें, थोड़ा इससे ही पूछ लेते हैं भाई, हमारे को जो दिक्कत आई है तो इसको किसी और को भी तो आई होगी लाइफ में। Showing WhatsApp, fix WhatsApp image GIF not working. YouTube का वीडियो है, आप लोग देखते रहना है ना, ये काम हम सब मिलके करते हैं कि आप लोग ही मेरे को एडवाइस करो भाई क्यों नहीं चली, तो चलाने का कोई आप लोगों को तरीका ढूंढने का, मेरे को भी तो फिक्स करना ही पड़ेगा ना, तो आई डू इट, यू आल्सो ट्राई टू डू इट, बट देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए तो, और ऐसा होगा भी, आराम से उसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, ठीक है। किसकी? सर कैन सेंड अस डॉक्यूमेंट फाइल इन व्हाट्सएप टू? अरे आप अपनी अपनी बनाओ ना, ऐसी कौन सी आप बता गई जो मेरी फाइल से बनाओगे, अपनी अपनी ओके बना सर, लो, कौन सी प्रॉब्लम है, 2 मिनट में बन जाएगी फाइल। यस सर, यस। तो चलिए, सो गॉट द पॉइंट, कर लोगे ना, प्रैक्टिस भी तो करके देखोगे ही। तो बहुत सिंपल है, पहला पे पोजीशन ऑन कर देना है, मार्कर को खींचना, बिना मार्कर के ही मत उधर पे वो कर देना, मार्कर को पहले लेके जाना फिर उस पर एक्टिव करना, और जो दूसरी वाली पॉइंट है वहां पे कुछ कुछ कर देना। एंड यू कैन नॉट जस्ट डू वन थिंग, यू कैन डू मेनी थिंग्स, लाइक व्हाट? फॉर एग्जांपल, इफ आई जस्ट वांटेड नॉट जस्ट दी व्हाट यू कॉल, फॉर एग्जांपल मैंने कोई पोर्ट्रेट ही ले लिया, तो लाइक इफ आई गॉट दिस पोर्ट्रेट एंड आई गॉट दिस कॉपी इमेज and I just pasted it here, you know, randomly, और मैं क्या किया कि इसको ले लिया, बस इसको timeline पे ले लिया, और timeline पे लेने के बाद हमने क्या किया, मैं अभी try मार के देख रहा हूँ, हमने instead of a position
be playing with something else. Be playing with what? Style. This is style. Marker pe rakha, style ko on kiya. उसका वो दबा देना है अलार्म, ठीक है ना. और ये यहाँ पे जैसा है वैसा ही है, कुछ नहीं किया इस पे. और इस पे जाने के बाद मार्कर को यहाँ ले गए और फिर यहाँ पे भी क्या किया, स्टाइल ये स्टाइल को ऑन कर दिया. और इस वाली स्टेज पे क्या करेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ और ग्रेडेशन दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं, इसको रिवर्स कर दें, कुछ और कर लो. तो कुछ भी कर लेते हैं, लेट से ऐसे कर लिया अभी के समझने के लिए, ये कर लिया ना. और इसको जब हम ऑन करेंगे तो देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा. तो अच्छा जी, ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हुआ है ऐसा? ऐसा तो हमने यहाँ पे ऑन कर लिया है और यहाँ पे भी ऑन है. ओके, आई थिंक होना चाहिए था. ओके हाँ, हो रहा है शायद, कुछ हो रहा है. ये दोनों एक से हैं इसके पता नहीं चल रहा होगा. ग्रेडियंट ओवर ले इसको हम चोर कर देते हैं. गया यहाँ पे. अच्छा, क्योंकि पूरी लेयर पे एक ही ग्रेडियंट लगा हुआ है तो यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे गए, यहाँ पे ऑन कर दिया है. तो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है और ये मार्कर भी उठा लाया हूँ. यार हो तो रहा है, देखो चल भी रहा होगा. फिर देख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ जबरदस्त कुछ चेंज करना पड़ेगा. इसका मतलब ये है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम हो तो रहा है लेकिन बहुत मिनिमल दिख रहा है. तो हम इसको कलर ओवरले से इसको ऐसे कर देते हैं. हाँ, देख रहे हो रहे ना चेंजेस. अब चेंजेस बहुत स्लो हो रहे हैं तो इसका तरीका है, फास्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, फास्ट करना है तो इसकी ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है ना, इसी को उठाओ और छोटा कर दो. उमर मर के कर रहा था धीरे धीरे, अब ये तेजी से करेगा, करेगा कि नहीं देखो. ओके, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे ये हो गई कि वो वहीं तक वो कट कर दिया बेसिकली मैंने. सो आई वुड हैव यूज दिस कंट्रोल जेड, करेगा चलेगा काम. हाँ चल रहा है तो काम तो हो रहा है, देख रहे हो आप. तो यहाँ पे चेंजेस तो हो रहे हैं as you could see. बिल्कुल ठीक है ना. और इनको इसमें हमें करने के लिए व्हाट वी कैन डू, सॉल्यूशन 50% और स्पीड. यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो. ऑडियो भी लगा सकते हो. एंड आई वांट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ दिस. सो यहाँ पे रेंडर आप यहाँ से भी कर सकते हो, राइट. और सो व्हाट आई वांटेड एक्चुअली, यू नो व्हाट आई रियली वांटेड, बिकॉज़ मैं वीडियो का पर्सन हूँ नहीं, इसके थोड़ा सा मेरे को सोचना पड़ता है कभी कभी. So, what?
30 FPS को मेरे को चेंज करना हो तो मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ 30 फ्रेम पर सेकंड के अलावा 15 फ्रेम पर सेकंड करेंगे तो स्लो चलेगा, और 60 फ्रेम पर सेकंड करेंगे तो फास्ट चलेगा। तो फिर कहने का मतलब है हमें फास्ट चला देंगे, तो जब हम फ्रेम रेट बढ़ा देंगे तो स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू बी डूइंग एंड बट कहाँ से हम इसको एक्सेस कर पाएंगे? ये बाई डिफॉल्ट, अच्छा यहाँ ऊपर आ तो रहा है सेट टाइम, सेट करंट टाइम, सेट करंट टाइम कहाँ से आया ये? वीडियो को डिलीट ट्रैक करना, चलो ये देख लें, चलो ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते। तो एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना? वी हैव टू सी द सेटिंग आइकन्स के, जो मेन मेन काम है वो हमने कर लिया है। तो इस तरीके से आप चीजों को मैनेज कर सकते हो और क्या कर सकते हैं। सो आज हम बात करने वाले थे इमेज के एडजस्टमेंट के बारे में। सो बिफोर आई मेक एनी स्टार्ट, आई विल टेल यू अ बिट अबाउट द कलर मोड्स, राइट? सो जो कलर मोड्स हैं, हमें कोई नई फाइल ओपन करनी पड़ेगी। तो अब कोई भी फाइल यदि हम ओपन करते हैं, लेट्स से इफ आई ओपन अप दिस जेपीजी फाइल एंड this is a file, and if I go and say the mode, this is an RGB mode file, right? So RGB is a color mode. Nature के जो color होते हैं, color usually दो तीन तरीके से होते हैं। तो एक तो वो color है जिसमें हम एक दूसरे को देख रहे हैं, natural eyes है और इससे देख रहे हैं। ये जो color है ये सब nature के color है। color में एक योगदान light का भी होता है, लाइट किस तरीके से गिर रही है, कहाँ जा रही है, कितनी लाइट है, कितनी कम लाइट है। तो लाइटिंग सिचुएशन हो गई और तो जिसको बोलेंगे हम उसकी ल्यूमिनोसिटी, उसकी लाइटनेस वैल्यू, और दूसरा उसकी पिगमेंट वैल्यू। पिगमेंट जो भी जिस कलर का पिगमेंट होगा, कलर क्या होता है, कलर होता है कि जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है, हमने 10th की फिजिक्स में पढ़ा था, तो कुछ लाइट अब्सॉर्ब हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो रिफ्लेक्ट होती है वो हमारी आंखों को दिखती है। तो जब एक कलर बनता है तो वहाँ पे तीन चीजें मेनली इन्वॉल्व होती हैं, एक तो हमारी आंख है, एक ऑब्जेक्ट जिस पे वो लाइट गिर रही है, और तीसरा लाइट, लाइट कहाँ से गिर रही है, उसमें से कुछ लाइट है अब्सॉर्ब करेगा, दैट इज द बेस्ड ऑन द द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड एवरीथिंग, एंड देन सम लाइट विल रिफ्लेक्ट, एंड द वंस दोस विल रिफ्लेक्ट विल कम इनटू आवर आईज एंड दे आर फॉर्म द कलर्स। और कलर हर हमारी जो आईज में कुछ रोड्स एंड कॉन्स और कुछ आयरिसिस वगैरह की जो फॉर्मेशन है, उसमें कलर्स को हम देख पाते हैं। कुछ जानवर नहीं देख पाते, कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ कम देख पाते हैं, कुछ ज्यादा देख पाते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं रात में देख पाते हैं। तो जैसे शेर चीता है, ये लोग रात में इनको ज्यादा दिखता है कंपैरेटिवली। तो अभी क्या होता है कि RGB है ये सब, जब जो भी मैं बता रहा हूँ एक तरीके से मान लो RGB है, तो RGB वही है जो नेचुरल है। फिर हो गए जो हम कलर स्क्रीन से देखते हैं, स्क्रीन के जो कलर देखते हैं वो स्क्रीन के अंदर पीछे पिक्चर ट्यूब वगैरह आपने देखा होगा कभी मार्केट में खुली खुलाई, अभी तो LEDs आने लगी तो इसमें अलग तरीका है, लेकिन इन दोनों के कलर मोड्स एक से होते हैं यार, RGB। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, सो RGB मॉडल यदि हमें समझना हो तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे RGB मॉडल। So, this is an RGB model. Red, green और blue. जब ये तीन कलर क्रॉस ओवर करते हैं तो इनकी क्रॉसिंग से भी तीन ही कलर बनेंगे। वो तीन कलर कौन से हैं? साइन, मजेंटा और येलो। ये अपने आप नहीं आया कहीं से, कलर कहते हैं ना CMYK से, ऐसा नहीं CMYK कहीं और से उड़ के आ गया, उड़ के नहीं आया कहीं से, वो RGB से ही क्रिएट हुआ है। अच्छा, CMYK की जरूरत ही क्या है, दुनिया मतलब बड़ी पीसफुल है यदि एक ही कलर मोड हो, एक ही पढ़ना पड़े, है ना? 36 तरह कलर मोड पढ़ने की जरूरत क्या है, ये आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो हम नेचर में देखते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल किताब है, बुक है,
तो बुक को तो प्रिंट करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं? वो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई लाइट मारी और छप जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। काश ऐसा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हमें इंक के थ्रू प्रिंटिंग करनी पड़ती है, और कोई भी इंक बनाएंगे, इंक को केमिकल टर्म में एक डाई बोला जाएगा, है ना। तो जब भी कोई चीज को हमें इंक में या डाई में बनाना पड़ेगा, तो उसमें उसका सोल्यूशन बनाना पड़ेगा ना, पानी से सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूबल बनाना पड़ेगा। जो चीज पानी में सॉल्व ही नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं होगी, वो इंक भी नहीं बन पाएगी। आप जैसे तेल डाल दो पानी के ऊपर तो वो आएगा ही नहीं, वो अलग रह जाएगा, पानी अलग रह जाएगा। वाटर में जब डालेंगे तो वाटर का कंपाउंड होता है H2O, तो उसमें ऑक्सीजन होती है एक गैस, राइट। ऑक्सीजन क्या करती है, जो नेचर के कलर है उनको डल कर देती है। ऑक्सीजन हर जगह प्रॉब्लम करती है, हमारे लोहे पे जंग लग जाती है, SS आता है, इवन उस पे भी कालापन आ सकता है। सो ऑक्सीजन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिससे कि कोई चीज रहेगी। तो प्रॉब्लम क्या है, हमें दो कलर मोड इसलिए पढ़ने पड़ते हैं कि यदि RGB में ही हमने फोटोशॉप सीख लिया, तो CMYK जब हम करेंगे तो हम कहेंगे अरे ये तो स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा था, ये तो प्रिंटिंग में कुछ और हो गया। इसलिए CMYK करना भी जरूरी है। हालांकि आपका जो फोटोशॉप है वो आपका CMYK को भी RGB में ही दिखा रहा है, क्योंकि CMYK तो सिर्फ प्रिंटिंग के टाइम ही एग्जिस्ट करता है, विदाउट प्रिंटिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि ये आपको दिखा रहा है कि कुछ कलर, वो कुछ कलर कौन से होते हैं, वो कुछ कलर ये होते हैं कि जब हम फोटोशॉप ओपन करें और यहाँ पे जाके हमने कोई कलर डालना है, तो जब हम ये कलर डालते हैं, देखो ये कलर, तो देखो यहाँ पे न्यू कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन हम जैसे ही इसको इधर रखेंगे तो देखो यहाँ पे ये आ गया। इस कलर को बोलते हैं वार्निंग कलर, मतलब कि RGB में तो एग्जिस्ट करेगा, TV पे तो आ जाएगा, नेटफ्लिक्स पे भी आ जाएगा, वेब डिजाइनिंग करोगे तो उस पर भी आ जाएगा, पिक्चर मूवी बननी हो तो उस पर भी आ जाएगा, लेकिन ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे वार्निंग दिखा दी। इसलिए कल को आप कल किसी ऐसी जगह पे काम करो जिस जहाँ पे ब्रोशर बनते हो, कैटलॉग्स बनते हो, या कोई ऐसा काम हो, तो आप समझ जाना कि ये कलर मत चूज करना, क्योंकि ये वो कलर है जो स्क्रीन पे तो दिखेगा, क्लाइंट तो बहुत खुश हो जाएगा, वाह यार चमकता दमकता कलर आ गया, लेकिन जब प्रिंट कराओगे तो वो नहीं आएगा, तो वो फोटोशॉप बोलेगा भाई मैं तो पहले ही बता रहा हूँ नहीं आएगा। तो देखो ये, देखो यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे नहीं आ रही, और यहाँ पे क्लिक करो तो नहीं आ रही, यहाँ भी 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 नहीं आ रही, लेकिन जैसे आप ब्राइट टोन पे जाओगे तो आएगी। और जैसे आप ये इस पे गए तो देखो इस पे अब भी नहीं आ रही, इस वाले कलर पे अब भी नहीं आ रही, क्योंकि ये थोड़ा फ्लोरोसेंस नेचर का कलर नहीं है, लेकिन जैसे ही फ्लोरोसेंस नेचर का कलर होगा तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो तो पर्टिकुलर एरिया में आ रही है प्रॉब्लम, इधर नीचे नहीं आ रही, पीछे होते ही नहीं आई, लेकिन आगे होते ही आ रही है। तो यदि आप प्रिंट के लिए ब्रोशर बना रहे हो, कैटलॉग बना रहे हो, कुछ ऐसा मटेरियल क्रिएट कर रहे हो जो अल्टीमेटली हैज टू बी प्रिंट, दैट डू नॉट टेक सच कलर्स। मतलब ले ही लिया, एक सेकेंड के लिए हमने ये कलर ले ही लिया, अब आपने नहीं लिया, मतलब ये दूसरे डिजाइनर भाई सब थे, इनने डाल दिया था ये कलर पहले से, तो आपको पता लगाना हो कि ये वाला कलर, या कीबोर्ड क्या होता है, अब क्यों नहीं आ रहा, दिक्कत है। तो यहाँ पे कलर हमने डाल रखा है पहले से, अब हमें ये देखना है कि ये प्रिंट होगा या ये प्रिंट नहीं होगा। ये पहले से ही है, इमेज आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर ली, मानो अब वो ऐसी है, अब आपको पता लगाना हो ये इमेज प्रिंट होगी कि नहीं। इमेज तो प्रिंट होगी, लेकिन ये कलर जैसे जैसे आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ और हो जाएगा, लेकिन क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ पे होता है व्यू में इसको बोलते हैं गैमट वार्निंग, इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट वाई, गैमट वार्निंग। व्हाट इज अ गैमट, गैमट इज अ यूनिवर्स ऑफ कलर। एक सर्कल को हमने बना लिया मान लो, तो उसमें दुनिया के सारे कलर आ जाएंगे। इसको फोटोशॉप में जैसे मेरे को आपको करके बताना हो कि व्हाट इज अ गैमट, तो क्या होता है कि मान लो एक सर्कल है, मान लो ये इसमें दुनिया के सब कलर आ रहे हैं मान लो, सो दिस इज अ कंप्लीट गैमट। ये किसका गैमट है,
आरजीबी का, आरजीबी का गैमेट इज फुल। सीएमआईके का जो गैमेट होगा वो ये कलर उसमें नहीं आएंगे, तो उसका गैमेट यानी आरजीबी का ऐसा है, सीएमआईके का गैमेट ऐसा हुआ ना। यदि इसमें 100% कलर है तो इसमें 80% कलर है, ऐसा नहीं है कि इसके अलग है उसके अलग है, नहीं 80% दोनों के सेम ही है, लेकिन ये वाले जो कलर हैं ये कलर सीएमआईके में नहीं आएंगे। तो जब हम इसको गैमेट वार्निंग करेंगे यहां पे व्यू में जाके क्या किया, गैमेट वार्निंग, तो देखो ये ऐसा आ गया, ग्रे हो गया। ये मत सोचना कि ये ग्रे हो जाएगा, नो ये ग्रे नहीं होगा, ये ग्रे बता रहा है वार्निंग। क्या है ये वार्निंग कि ये कलर बदल जाएगा, ये कलर बदल जाएगा। और आप बोलोगे नहीं नहीं सर वार्निंग तो ठीक है, ये दिखेगा कैसा ये बताओ मेरे को, तो कि एक्चुअल में कैसा दिखेगा। तो हम पहले वार्निंग ऑफ कर लेते हैं और कंट्रोल वाई कर दिया करो यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रूफ कलर। क्या बोलते हैं कि ये जैसा दिख रहा है ये दिखेगा कैसे, जब प्रिंट होगा तो दिखेगा कैसे, तो प्रूफ कलर कंट्रोल वाई। तो देखो ऐसा हो गया, देख रहे हो वो क्या उसकी चमक थी रौनक थी, और ये देखो कैसा दिख रहा है, ये तो बिल्कुल डल हो गया। तो कभी भी कोई भी इमेज इंटरनेट से लाता हूँ ना मैं, जब मैं कोई इंटरनेट से कोई पिक्चर उठाता हूँ, जैसे मैंने पिक्चर उठाई नाइट लाइफ का एग्जाम्पल, मैं जानबूझ के एक ऐसी इमेज उठाऊंगा जो बहुत ज्यादा ब्राइट हो, तो आई विल पिक अप दिस पिक्चर फॉर एग्जाम्पल एंड आई वॉन्टेड कि मैं इसको कोई, मैं सोशल मीडिया की पोस्ट बनाने में कोई टेंशन नहीं है, इंटरनेट पे कुछ भी बनाओ खुले में बिल्कुल ब्राइट ब्राइट सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब झंझट जो है ये प्रिंटिंग का है, इसका कोई किसी और चीज से लेना देना नहीं है। अब मैंने ये भी है, अब इसको मैं कंट्रोल वाई करूंगा तो देखो कैसी हो जाएगी पिक्चर, प्रिंट ये ऐसी होगी और एक्चुअल में ये ऐसी है। और इसको कंट्रोल शिफ्ट वाई करूं वार्निंग देखूं तो देखो वो कह रहा भाई से सारे सारे कलर बदल रहे हैं ऑलमोस्ट, समझ रहे हो। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई अभी तक, इतना समझा रहा हूँ बड़ा एक एक करके बस सारे। अभी हिंदी मूवी होती है ना 3 घंटे की, तो 2.5 घंटे तक सस्पेंस बनता है, 2 घंटा 45 मिनट, तो फिर 15 मिनट के बाद सारा सस्पेंस हटता है। इसलिए जो जो बता जा रहा हूँ ये सब एक ही श्रृंखला के, इनको जोड़ते जाए, ये सब तार जुड़ेंगे अभी आपस में, जो जो मैं समझाता जा रहा हूँ एक नहीं है, और ये कलर करेक्शन तक जाएंगे, इनको ध्यान से समझना। हो सकता है ये कोई समझा ही ना पाए तो मैं कभी, या जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे ना समझा पाए, इसके लिए तो फिर किताबें पढ़नी पड़ेंगी। सो सीएमआईके का कॉन्सेप्ट, आरजीबी का समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिकली यदि हमारा काम वेब डिजाइनर हैं, हम वीडियो एडिटर्स हैं, या हमारा काम पोस्ट प्रोडक्शन लेवल का है या सोशल मीडिया पोस्ट बनाने का है, तो हमें कलर में कोई बहुत ज्यादा झंझट नहीं है, इट्स इजी लाइफ, यू कैन यूज आरजीबी बिकॉज दे आर नेचुरली वेरी ब्राइट, है कि नहीं। तो ये चीजों की जो समस्या है ये सीएमआईके के साथ है, इसलिए सीएमआईके के केस में पर्सन को थोड़ा ज्यादा समझदार भी होना पड़ता है। सो व्हाट, सो सीएमआईके हमने अभी यहाँ पे इसका मॉडल देखा था, इसके मॉडल को हमने जब देखा तो आरजीबी मॉडल, तो हमने 2-3 चीजें इसको समझने की कोशिश करते हैं, 2-3 हम इन्फ्रेंसेस निकाल लेते हैं, वो क्या है। नंबर वन इन्फ्रेंस, जब आर जी और बी आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, साइन मजेंटा और येलो, ग्रीन और ब्लू बनाते हैं साइन, और आर और बी बनाते हैं मजेंटा, और आर और ग्रीन बनाते हैं, बेसिक सी चीज है, इसको समझ लिया कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। और जब तीनों आपस में एक ही जगह पे जाके जुड़ते हैं तो वो क्या बनता है, व्हाइट, क्या बनता है, यानी कि व्हाइट कब बनता है आरजीबी में, जब तीनों कलर को मिला दिया जाता है, तीनों कलर को जब मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, और ये नेचुरल कलर है, नेचुरल कलर प्रक्रिया है। एक और नेचुरल कलर प्रक्रिया आपको एनवायरनमेंट में भी दिखती है, वो क्या है, इंद्रधनुष दिखता है ना, रेनबो, तो कहते हैं ना रेनबो के सातों कलर मिला दिए जाएं
तो क्या बनता है, व्हाइट बनता है, ठीक है ना, इंद्र कलर धनुष के, क्योंकि वो भी नेचुरल है तो उसमें भी सारे कलर, इसलिए चूंकि ये सब ऐड होने पे व्हाइट बनता है, तो इसको, इनको आरजीबी को कॉमन भाषा में ये भी बोला जाता है एडिटिव कलर। क्या बोला जाता है? एडिटिव कलर, जिनके मिलाने से व्हाइट बने वो एडिटिव कलर। सीएमआई के उल्टा है, सिंपल सी बात, सीएमआई के उल्टा है, क्योंकि इसके रिफ्लेक्शन से बन रहा है। अब लेकिन आप अपने उल्टा का मतलब क्या होता है, उल्टा का मतलब फ्लिप है, फ्लिप है। अब आप शीशे पे जाके खड़े हो, पांच उंगलियां ऐसे दिखाओगे तो वो पांच ही दिखाई देंगी सामने वाली तरफ पे भी, लेकिन दिखेंगी ऐसी फ्लिप दिखाई देंगी कि नहीं। राइट में अंगूठा आपका है तो आपका मिरर में लेफ्ट में होगा, यही होगा ना। तो वही सीन क्या है आरजीबी और सीएमवाई के का है। तो एक कलर के मिलाने जब आरजीबी में सब कलर को मिलाते हैं तो क्या बनता है, व्हाइट। तो सीएमवाई के में बाई डिफॉल्ट मान लो कि सब कलर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नहीं बाबू, पर उल्टा है तो उल्टा सोचना, मिलाने से व्हाइट बन रहा है तो वहां पे बनाने, मिलाने से क्या बनेगा, और इसमें आरजीबी सब जीरो 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 हो जाए तो क्या बनेगा, ब्लैक। तो उसमें यदि सीएमवाई के सब जीरो 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 हो जाए तो क्या बनेगा, लेकिन ये समस्या मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि भैया मैंने सुनाया, दिखाओ किसी दिन, दिखाई शीशे में पांच उंगलियां तो सामने से निकल आई छह उंगली, कभी ऐसा हुआ है आज तक? ऐसा तो नहीं होता ना, नॉर्मली एक मुंह दिखाते हो तो एक ही दिखता है ना, दस दिख जाए समझ लेना रावण में तो वेरीफाइड, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो फिर आरजीबी तो तीन होते हैं, सीएमवाई के चार कैसे हो गए? आइडियली तो मैं यहाँ पे भी यही देख रहा हूँ ना, आरजीबी और सीएमवाई, यहाँ तो ब्लैक का कोई कॉन्सेप्ट दिख ही नहीं रहा ना। देखो कोई भी यहाँ पे भी कहीं पे ब्लैक की कोई बात हो रही है, नहीं हो रही ना। तीन का उल्टा तीन ही तो होगा, तीन का उल्टा कभी चार थोड़ा ना हो सकता है, चार कहां से छलांग मार के आ गया, ये भी एक समस्या है। तो ये आरजीबी जो है, ये आप जो देख रहे हो पहले इसको ध्यान से देख लो आप, ठीक है ना। अब ये सीएमवाई के आ गया, देखो सीएमवाई के में ब्लैक ने पहली बार एंट्री मारी, आरजीबी में ब्लैक का कोई रोल था ही नहीं, ब्लैक यहाँ पे आया, चलो ठीक है हमने मान लिया। और इसको यदि एडिटिव बोलेंगे तो सीएमवाई को क्या बोलेंगे, सब्स्ट्रैक्टिव, उल्टा ही बोलना है ना भाई, आंख बंद करके बस उल्टा बोल दो। एक एडिटिव है तो दूसरा सबसेक्टिव है, एक के ऐड करने से बाइट बनता है तो दूसरे के ऐड करने से सब ब्लैक हो, सबके ऐड करने से। अच्छा आरजीबी जो है उसकी यूनिट क्या होती है, वो किस में आंकते हैं उसको, आप लोग ऑनलाइन वाले सब सुन रहे हो ध्यान से या ऑन करके सब इधर उधर निकल लिए? मोबाइल से तो कोई क्लास नहीं करता अटेंड, जो मोबाइल से चैट कर रहा है सब तब टाइम पास कर रहा है, उसका कुछ नहीं होने वाला। तो आरजीबी में हमने बोला सबको मिलाने से व्हाइट बनता है, तो आरजीबी का जो है उसका जो यूनिट है वो क्या है, लेबल, एल ई वी ई एल एस, लेबल्स, ठीक है। तो लेबल्स कितने होते हैं, कितने होते हैं लेबल्स, 256, कितने होते हैं 256, चूंकि जीरो भी उसमें ऐड कर लेते हैं हम, उसमें जीरो को भी एक संख्या मान लेते हैं, तो वो जाता कहाँ तक है, 255 तक जाता है। नॉर्मली हम गिनती एक से शुरू करते हैं ना, जीरो से नहीं करते ना शुरू, तो 256 हो गए, तो जीरो को गिन लेंगे तो 256 ही हो गए ना, जीरो भी काउंट हो गया, जीरो से लेके 255, और 255 क्या होएगा, वाइट होगा भाई। ऐड मैंने बोला ना सबसे ज्यादा वाला है, मतलब यदि R है तो R में जो 255 R है वो सबसे ज्यादा ब्राइट रेड होगा, कहने का मतलब व्हाइट तो तब होगा जब R 255, GB 255 और BB 255 ऐड कर दिए जाए तो क्या बनेगा, वो व्हाइट। देख लेते हैं भाई, कंफ्यूज ना हो ना भाई, तुम ध्यान से सुनना मेरा, मैंने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया तो फिर मैं कलर सिखाने लायक नहीं। तो ये चीज देखो, यहां से हमने क्या किया, RGB की आ रहे हैं ना ये, तो इसको क्या करते हैं 255 256 लिखे हैं, क्या कुछ होएगा, नहीं करे, वो कहेगा नहीं भाई 255 से ज्यादा नहीं, तो उसको 255 ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। 255 और 255 क्या बन गया, देखो व्हाइट बन गया कि नहीं। और यदि R को 255 पे ही रहने दें तो क्या बनेगा, सबसे बढ़िया वाला रेड, देखो एक्सट्रीम में पहुंच गया कि नहीं वो। और 254 करोगे तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, 250 करके देखते हैं, देखो थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया कि नहीं। 255 मतलब ब्राइटेस्ट रेड। इसी तरीके से यदि जी को भी हम 255 कर दें तो क्या होएगा,
सबसे ब्राइटेस्ट ग्रीन है ना। तो आइडियली CMYK में क्या होना चाहिए, R, G और B यदि पूरे पूरे मिला दिए जाए तो क्या बनना चाहिए, R, G, B वो हम गिनते हैं किसमें, लेवल्स में, और लेवल्स कहां से कहां तक होते हैं, 0 से 5 तक। और CMYK को पूछिए 0 से 255 जाते हैं, नहीं, CMYK का जो मानक है वो है परसेंटेज, यह बीइंग कैलकुलेटेड इनटू व्हाट, परसेंटेज, और परसेंटेज कोई भी सेंट परसेंट होगी 100% से ऊपर तो क्या होएगा, है ना, तो 0 से लेके 100%। यार दोनों में कंफ्लिक्ट है थोड़ा, मतलब है तो चीज एक ही लेकिन दोनों को देखना नापने की विधियां अलग अलग है। सो 0 to 100%, फिर भी चलो हम 100% मान लेते हैं, 100% इज इक्वल टू 255, वेरी सिंपल है ना, 100% इज इक्वल टू 255 इन RGB, अंडरस्टैंड। सो आइडियली इफ वी क्रिएट 100% साइन, 100% मजेंटा, 100% येलो, वी शुड बी रिसीविंग एट व्हाट, वेरी गुड, ब्लैक। हमें क्या मिलना चाहिए, ब्लैक मिलना चाहिए। हम डाल के देखते हैं, थ्योरी यही कहती है, मैथमेटिक्स यही कहती है। अब देखो वो कह रहा 100 से ऊपर नहीं, क्या बन गया, देखो ब्लैक बन गया ना, उसमें व्हाइट बनेगा तो उसमें ब्लैक बनना चाहिए, और बनता भी ब्लैक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि चूंकि जब किसी ने शुरुआत की होगी तो उसने CMYK की इंक बना दी होगी, उसमें वो लगा बनी जाएगी अपने आप, क्योंकि कलर अपने आप ही बदल जाता है, उल्टा हो जाता है कलर सिस्टम, तो इंस्टेंट साइन मजेंटा और येलो बन जाता है। सो उसमें जब इंक बनी होगी तो उसमें देखा होगा कि नहीं, ये वैसी ब्लैक नहीं बन रही जैसी ब्लैक होनी चाहिए, इट्स नॉट दी जेट ब्लैक नहीं है, वो डार्केस्ट नहीं है, वो एरिया डर्टी ब्राउनिश हो जाते रहे, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या करता था, उन कलर को एक्सट्रीम वैल्यू पे लाने पे टांगड़ाता था, प्रॉब्लम क्रिएट करता था, इट यूज्ड टू बी अ हर्डल। सो दे सेड के नाउ विल ब्रिंग वन मोर कलर इनटू द कलर सिस्टम ऑफ CMYK व्हिच इज ब्लैक। तुम दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा पब्लिकेशन देखोगे प्रिंटिंग में, वो ब्लैक कलर का होता है, पता है कि न्यूज़पेपर भी ब्लैक के होते हैं, टेक्स्ट बुक्स भी ब्लैक के होते हैं, कलरफुल भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर चीजें ब्लैक कलर की होती है या नहीं, क्यों होती है ब्लैक कलर की, कभी सोचा? नंबर एक तो उसका एक रीजन ये है कि पेपर वाइट होता है, और किसी चीज को आसानी से पढ़ना हो तो उस पर ब्लैक कलर ही चलना चाहिए, उसका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट डेवलप होएगा, ब्लैक और व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट होएगा और उसको पढ़ने में आसानी होगी, एक तो रीजन ये है। दूसरा जो रीजन है वो बहुत टेक्निकल है, वो टेक्निकल रीजन ये है कि आइडियली आरजीबी ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और CMYK से यदि हम ब्लैक बनाएंगे तो 100% साइन, 100% मजेंटा, 100% येलो डालना पड़ेगा। मान लेते हैं, मान लो उस टाइम पे ये भी मान लिया कि ब्लैक बन गया था, ऑक्सीडेशन को साइड में रखते हो 2 सेकंड के, लेकिन उसमें ब्लैक को बनाने के लिए 3-3 इंक का इस्तेमाल करना पड़ा कि नहीं। मान लो 8 पॉइंट का टेक्स्ट है, पहले उस पर सियान चला, फिर उस पर मजेंटा चला, फिर उस पर येलो चला, तो 8 पॉइंट का टेक्स्ट तो बहुत छोटा है, जरूरी होना चाहिए कि वो जो दूसरी मजेंटा की इंक गिरेगी वो सेम जगह पे गिरे। मान लो थोड़ी सी भी लेफ्ट राइट हुई तो तुमने देखा होगा अपनी बुक्स में या पब्लिकेशन कभी कभी डबलिंग दिखती है कि नहीं, क्योंकि इंप्रेशन सेम जगह पे नहीं छपता। आइडियली मैथमेटिकली साइन के ऊपर ही मजेंटा छपना चाहिए, मजेंटा के ऊपर येलो छपना चाहिए, यदि नहीं छपा तो क्या होगा, डबलिंग आ जाएगी, डबलिंग क्या होगी, और पढ़ने में और दिक्कत क्रिएट करेगी, कंफ्यूजन हो जाएगा, और ये सब हम काय को कर रहे हैं, ब्लैक को छापने के लिए, which is a very common problem। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इन तीनों कलर को हटाओ, ब्लैक से ही अकेले छाप। अब तीन कलर छापोगे तो भाई प्रिंटिंग मशीन में भी तीन कलर छापने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि मशीन भी महंगी हो जाएगी। तो कोई चीज लेके आओ उसमें 4 यूनिट है, तो वो 4 यूनिट का पैसे लेगा भाई, 1 यूनिट की चीज लाओगे तो 1 यूनिट का लेगा। तो क्या करते हैं, छोटे मोटे प्रिंटर होते हैं गाँव मोहल्ले गलियों में, वो क्या करते हैं ब्लैक कलर की मशीन ही ले आते हैं और वो ब्लैक ही छापते हैं, जो स्कूलों के एग्जाम्स के पेपर छपते हैं, फॉरम छपते हैं, इनमें मशीनों की जरूरत क्या है, ब्लैक कलर की मशीन लाओ, सस्ती सी मशीन, और उस पर प्रिंटिंग हो जाएगी कि नहीं है?
फोटोकॉपी वाले भी ब्लैक एंड व्हाइट वाली लेते हैं, क्योंकि यदि वो कलर करेंगे तो फिर वो उसमें चार यूनिट लगेंगे ना, प्रिंट कलर के यूनिट लगेंगे ना, सो उसकी यदि वैल्यू एक्स है उसकी वैल्यू 4x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 1 लाख रुपए की जी 4 लाख की आएगी, 4 लाख की 16 लाख की आएगी, आएगी कि नहीं? तो ब्लैक इज अ वेरी वंडरफुल कलर, क्योंकि उस कलर को रिप्लेस कर दिया गया, उन्होंने कहा कि इसको ले लो, इसलिए CMYK में एक ब्लैक को ऐड कर दिया गया। तो अभी हम अपनी पूरी चीज को समराइज करें, तो RGB और CMYK में दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, इफ यू गो टू द इंटरव्यूज दिस क्वेश्चन इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, पीपल विल आस्क, वी गो टू 10 प्लेसेस 5 पीपल विल आस्क, यदि आप प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंट से संबंधित कामों में कहीं जाने वाले, एड एजेंसी में जाने वाले हो या प्रिंट प्रेस में काम दे, तो दे विल आस्क यू व्हाट इज RGB एंड व्हाट इज CMYK एंड देन दे विल लिसन टू यू कि आपके क्या। मैंने देखा है 9 out of 10 पीपल नोस नथिंग, एक बोलता है RGB होते हैं स्क्रीन के कलर और एक बोलता है CMYK होते हैं प्रिंट के कलर, व्हिच इज फेयरली ओके, बट दिस इज नॉट द वे वी शुड आंसर। आप ये बोल सकते हो कि सर RGB स्क्रीन के कलर है, कभी ये नहीं बोलना चाहिए इंटरनेट के कलर है या एक्स, ऐसे बेवकूफी वाली टर्म्स यूज नहीं करते, स्क्रीन कलर, स्क्रीन कलर चाहे वो सिनेमा की स्क्रीन हो, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, चाहे वो मॉनिटर की स्क्रीन हो, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीका होगा उसमें जो भी कलर हैं वो सब क्या होंगे, RGB होंगे, और CMYK के आधे प्रिंट कलर्स, नो डाउट। सो कोई कभी तुमसे पूछ ले कि क्या वही हम क्या RGB से प्रिंटिंग कर सकते हैं, सो यू हैव टू सिंपली से नो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एवरी टाइम यू विल मेक अ लिक्विड कॉम्पाउंड वो कलर अपने आप ही RGB से CMYK में बदल जाएगा। सवाल इस चीज का नहीं है कि RGB और CMYK, सवाल इस चीज का है कि RGB आर नेचुरली मोर ब्राइट एंड CMYK आर नॉट दैट ब्राइट। तो अभी पीछे पीछे टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस चलते जा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या CMYK को भी इतना ब्राइट बना दें कि वो RGB की तरह बन जाए। तो उसमें जो सॉल्यूशंस है उनमें होड़ लगी हुई है कि भाई कुछ ऐसा हो जाए, वाटर हो जाए, कुछ अलग हो जाए और सब एक ही मशीन पे एक ही पेपर पे चल जाए, है ना। चलो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आगे जाती रहेगी, गैमेट है मान लो कोई, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मार्केट में मॉनिटर भी खरीदते हो ना जब, ये थोड़ी थियोरेटिकल चीजें हैं लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपको एक बहुत सारी जिग्सॉ पजल को सॉल्व करेगी। एक मॉनिटर 4,000-5,000 रुपए का भी आता है मार्केट, कई मॉनिटर 2.5-3 लाख रुपए के भी आते हैं। कंपनी ईजो बार को इनके मॉनिटर्स जो है वो 2-2.5-2.5 लाख के अभी आते हैं। ऐसा क्यों होता है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दी मॉनिटर कम्स इन टू कलर्स नॉर्मली। जो सस्ते मॉनिटर होते हैं उनको होता है sRGB, क्या बोलते हैं sRGB। तो sRGB जो सो sRGB जो है इसको लिखा ऐसे नहीं जाता है, लिखा कैसे जाता है, लिखा ऐसे जाता है, एस को छोटा लिखा जाता है, ठीक है। और एक जो मॉनिटर होते हैं कलर्स होते हैं इनफैक्ट, उनको बोला जाता है Adobe RGB। अब मॉनिटर खरीदने जाओगे जो नॉर्मली जो सस्ते से सस्ता मॉनिटर होगा वो क्या होगा, जो जो Adobe RGB मॉनिटर, मतलब Adobe RGB का मतलब है कि जितने भी यूनिवर्स है कलर का वो Adobe RGB हो गया। तो Adobe RGB 100% भी हो सकता है, 95% भी हो सकता है, बट वो उसमें सारे कलर आएंगे, यानी कि उस मॉनिटर में कैपेबिलिटी है। और ये किसको चाहिए होगा, फोटोग्राफर को चाहिए होगा, क्योंकि फोटोग्राफर कोई जरूरी थोड़ा ना हमेशा प्रिंटिंग ही करेगा, उसके यहाँ से कोई पिक्चर लेके जाएगा वो प्रिंट करे, कोई उसने फैशन शूट किया उसका कैटलॉग बना लो, उसको सोशल मीडिया पे डाल लो, कुछ भी कर लो, तो वो हमेशा क्या चाहेगा, खरीदना Adobe RGB मॉनिटर।
क्योंकि यदि उसने मॉनिटर भी हल्का ले लिया तो वो जो शूट करके लाया है, मान लो उसने कैमरा से तो शूट कर लिया 5 लाख के, लेकिन वो मॉनिटर पे देख रहा है 5,000 रुपए के, तो उसके वो कैमरा की वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि वो कलर जो शूट करके लाया वो तो दिख ही नहीं रहे ना उसको, क्योंकि उस मॉनिटर को कैपेबिलिटी नहीं है, दैट इज एन sRGB मॉनिटर जो आप जिस पे देख रहे हो, ये सब ये भी एक sRGB मॉनिटर है। मार्केट में एडोबे आरजीबी मॉनिटर से वंस यू गो, आप उसको पूछो कि इसका sRGB है, तो पूछो कि 100% sRGB है, यू नो sRGB में भी उसका जो एस है वो कम दिखाता हो। और फिर यदि आप महंगा मॉनिटर खरीद रहे हो तो आप उस सस्ते मॉनिटर वाले को ये भी पूछ सकते हो कि सर इसका एडोबे आरजीबी कितना है, सो वी विल से 80% 70% ओवर है, बहुत ही सस्ता होगा, तो उसमें Adobe RGB का कॉन्सेप्ट देगा ही नहीं वो आपको। आप जैसे अकाउंटेंट को मॉनिटर चला रहा है, अकाउंटेंट को क्या लेना देना कलर कलर किसी चीज से, तो उनकी रेंज अलग चलती है। बट डिजाइनर्स हैज टू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज दिस RGB, व्हाट इज दिस Adobe RGB, अंडरस्टैंड? Adobe RGB में उसके सारे कलर प्रिजर्व हो जाते हैं। सो ये आप लोगों को RGB से संबंधित कुछ चीजें समझ में आई, CMYK को भी लेके आपको समझ में आ गया कि हमने CMYK में CMYK का रोल क्या रखा है। CMY से कलर बनते हैं नॉर्मली, जो भी कलर दुनिया के जितने भी कलर हैं RGB के कॉम्बिनेशन और CMYK के कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं, चारों के कॉम्बिनेशन से दुनिया का कोई भी कलर बन जाएगा। इसके बाद कलर मोड में यहाँ पे कुछ और भी मोड्स आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ इंडेक्स कलर मोड। अच्छा, RGB और CMYK में जो कलर्स होते हैं वो कितने होते हैं? How many colors are there? एक कलर में कितने कलर है? R में कितने हैं? 256 है, 256 है ना, तो 256 R, 256 G और 256 B। तो इसको कैसे लिखोगे? 256 की पावर 3, या फिर पावर 3 कर दो, या फिर इसको X256, यही हुआ ना। और यदि तुम इनको कैलकुलेट करोगे तो ये कितने होंगे? ये होते हैं 16.7 मिलियन ये क्या होते हैं? कौन से कलर्स? वेरी गुड, और यदि आपको निकालना हो कि CMYK के कितने होते हैं, CMYK के कितने होंगे? एक और 256, वेरी गुड। और यदि इसको कैलकुलेट कर दोगे तो ये निकलेंगे 24 मिलियन। समझ में आई बात? कितने सारे कलर हैं कि नहीं? अच्छा, कोई भी आपने इमेज बनाई, एक इमेज में सिर्फ आपने रेड कलर का डॉट डाल दिया, रेड कलर का डॉट, और वो मोड क्या है उसका? RGB। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपने कलर तो एक ही यूज किया, लेकिन वो फाइल सेव होगी तो कितने कलर सेव होंगे साथ में, पैलेट उसकी पता कितनी बड़ी सेव होगी। मतलब समझ लो कि हवाई जहाज में गए और अकेले बैठ के गए, और चार्टर्ड भी नहीं था वो, तो कहने का मतलब उसका जो किराया, उसका कितना नुकसान हुआ ना, हुआ कि नहीं? फ्यूल भी लगा, उसका जो एक रनिंग कॉस्ट है वो भी लगी, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी से लेके XYZ कितने सारी चीजें लगी एक एक पर्सन के लिए। तो यू कैन अंडरस्टैंड RGB जो चाहे CMYK हो। सो देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच इज अबाउट वेब कलर्स, वेब सेफ कलर कह सकते हैं, वेब कलर्स, विच इज अबाउट कि जितने कलर यूज करने हैं उतने ही कलर यूज कर लो, और जो नहीं चाहिए ना लो। इससे क्या फायदा होगा? फाइल का साइज सिर्फ वही वही चीज कंज्यूम करेगा और छोटी हो जाएगी फाइल, तो फाइल अपनी क्वालिटी से छोटी नहीं हो रही, कलर के ज्यादा और कम करने से छोटी हो रही है। इस तरह के कलर मोड को क्या बोला जाता है? इंडेक्स कलर मोड। क्या बोला जाता है? दुनिया की जो सबसे ज्यादा पॉपुलर फाइल है
वो जिप फाइल है. सो जो जिप फाइल है इंडेक्स कलर, इंडेक्स कलर में क्या होता है मैक्सिमम कितने होते हैं 256. क्या बोला मैक्सिमम 256. मैंने यहां पे कोई वर्ड नहीं लिखा था मैक्सिमम 24 मिलियन या मैक्सिमम 16, वो फिक्स थे. चाहे एक यूज करो चाहे दो करो 16.7 मिलियन. उधर पे क्या है मैक्सिमम 256, यानी कि क्या मिनिमम भी हो सकते हैं. यस मिनिमम भी हो सकते हैं. मिनिमम कितने होंगे दो होंगे, एक होगा, तीन होंगे, चार होंगे, मतलब आप अपने हिसाब से कलर यूज कर लो. और इसको क्या बोला जाता है इंडेक्स कलर मोड. और कौन सी कलर फाइल, कोई भी फाइल, एक फाइल जो सबसे पॉपुलर फाइल है वो है जिप फाइल. कौन सी, जी आई एफ. जिप फाइल इज ऑलवेज वॉट नेक्स्ट कलर फाइल. क्या होती है, अब हम यदि कोई इमेज है, मान लो यहाँ पे ये वाली इमेज है, इसको मैं आरजीबी किया है, अब इसको मैं क्या कर दूं 256 पे ही कर रहा हूं मैं. देखो देखने से कुछ नहीं लग रहा, कुछ हुआ है चेंज, लेकिन इसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया. अंदर मैं पहले 16.7 मिलियन कलर थे, उसकी वैल्यू अब समझ में आएगी जब इसको जूम करोगे ना. देख रहे हो पिक्चर जो है ये पैची हो चुकी है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें ग्रेडेशन है भाई. उसमें एक ब्लैक की हजारों क्वालिटीज हैं, एक मजेंटा की हजारों क्वालिटी है, और आरजीबी में तो टोटली 256 है. तो उसमें मोटे मोटे कलर होंगे, एक बड़ा वाला मजेंटा, येलो, ग्रीन, ऐसे नामों से आएंगे. उसमें वेरिएशंस नहीं होंगी, और उसके अंदर वेरिएशंस, उसकी लाइट की भी बहुत वेरिएशन होंगी और डार्क की भी बहुत सारी वेरिएशंस होंगी. तो कभी भी बहुत हाई क्वालिटी इमेज सेव करनी है तो जिंदगी में कभी उसको जिप मत बनाना. सबसे पहला काम जिप बनाना है कब, जब ऑलरेडी कलर कम हो. जैसे कोई बटन बना रहे हो या कोई लाइन खींची या कोई एलिमेंट बनाया, तो क्या कर सकते हो उसको जिप बना दो, क्योंकि कलर ज्यादा है ही नहीं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. लेकिन कभी ह्यूमन की इमेज है या कोई भी इमेज है अच्छी, कोई स्मूथ इफेक्ट है, तो यदि उसकी जिप बनाओगे तो पैची हो जाएगी, है ना. अंडरस्टूड. तो आप बोलोगे सर जिप बनाने की जरूरत क्या है, तो जिप बनाने की जरूरत ये होती है कि, या इंडेक्स कलर की जरूरत होती है जब कलर कम हो और उसको इंटरनेट की तरफ लेके जाना हो, छोटा मोटा कुछ करना हो तो बन जाती है. अब मैं थोड़ी देर पहले आपको एनिमेशन दिखा रहा था और जिप में सेव कर रहा था, मेरे पास चॉइस ही नहीं थी. चॉइस क्यों नहीं थी कि यदि मैं उसको हाई क्वालिटी में सेव करूंगा तो एनिमेशन बनेगी नहीं, क्योंकि जेपीजी वो एनिमेशन सिक्योर करने की उसमें फैसिलिटी नहीं होती है. दे आर नॉट कैपेबल ऑफ होल्डिंग एनिमेशंस, वो फ्रेम पर सेकंड के कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते. तो मजबूरी है, वो तो बनानी पड़ी फिर. तो उसमें ऑफकोर्स जैसे ही मैंने उसको जिप बनाऊंगा तो उसके कलर कम हो जाएंगे, इंडेक्स हो जाएंगे, सिंपल सी बात समझ लो. तो इसको बोले इंडेक्स कलर मोड. तो आप बोलोगे भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस जब कलर कम हो और उसको वेब के लिए यूज करना हो. किसके लिए यूज करना हो, वेब, एक्सक्लूसिवली वेब, नथिंग टू डू विद टेलीविजन, नथिंग टू विद एडिटिंग, नथिंग टू डू विद एनीथिंग. इन सब केसेस में आपको जिफ नहीं बनाते, जिफ आप बनाते हो उसका सिर्फ इंटरनेट के केसेस में. इंटरनेट से फायदा क्या होता है भाई बनाने से, कलर को कम करने से जल्दी फास्ट डाउनलोडिंग होगी कि नहीं, यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि नहीं. लेकिन अब धीरे धीरे उसकी भी इंपॉर्टेंस खत्म होती जा रही है, क्योंकि बैंडविड्थ भी खूब आने लगी इंटरनेट पे, है ना. लेकिन यू कैन नॉट थिंक आपकी फाइल यदि कल को अफ्रीका के किसी कोने में दिखाई जा रही है, मतलब कोई देख रहा है इंटरनेट से, तो उसको दिक्कत हो सकती है. वो हो सकता है वहां पे इंटरनेट उतना पावरफुल ना हो जितना हमारे यहाँ है. हमसे ज्यादा वाले भी बहुत सारे देश हैं, हमसे कम वाले भी बहुत सारे देश हैं. लेकिन जब आप इंटरनेट पे जाते हो तो आपको सबका ध्यान रखना होता है, बिकॉज यू नेवर नो कि फाइल कहाँ पे कैसे है. वो आपकी ऑडियंस के ऊपर है. अभी आप कहते नहीं सर हम तो 99% इंडिया में डिलीवर करते हैं अपना प्रोडक्ट, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मत बनाओ. इंडिया में ओवरऑल इंटरनेट स्पीड उतनी भी नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे सब बेवकूफ बनाते हैं, लिखते हैं 4G भी चलता है कुछ और, ये 4G के नाम पे घूमता रहता है. तो यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड के कोई मायने हैं नहीं खास. चले तो बहुत बढ़िया, चले ना चले तो बेकार है. तो एनीवेज, लेकिन ऑफ कोर्स जब आपकी बैंडविड्थ, आपकी फाइल ही छोटी होगी तो बैंडविड्थ का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहेगा, वो कम बैंडविड्थ पे भी चल जाएगी, है कि नहीं. इंडेक्स कलर फाइल फॉर इंटरनेट, फॉर इंटरनेट, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड. बाकी एक आध दो कलर मोड है, इसको बस सिखा के आज का लेक्चर खत्म करेंगे.
तो इसके बाद ये कलर मोड है, आरजीबी हो गया, सीएमवाई के हो गया, ग्रे स्केल मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, उसमें से कलर चले गए, फाइल उतनी पावरफुल रहेगी, फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसमें कलर नहीं होंगे। आप बोलोगे सर ऐसी क्या, फिर इसकी क्या खास आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता ये है कि यदि आप कोई कलर ब्लैक एंड व्हाइट का ही काम कर रहे हो तो कलर दिखा के भी क्या मिलेगा, लेकिन जब ग्रे स्केल करोगे तो फाइल छोटी हो जाएगी फिर, क्योंकि उसमें से दो कलर मोड हट जाएंगे, आरजीबी तीन चैनल की फाइल है और ग्रे स्केल वन चैनल की फाइल है। लेकिन आप बोलोगे कि भाई सर कल को यदि उसको ब्लैक एंड व्हाइट की काम कर लिया और कल कलर में चाहिए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए क्या करना है आरजीबी पे रखो, जब जरूरत हो तो उसका एक और वर्जन सेव करो, उसका नाम कलर अंडरस्कोर ग्रे लेवल भी करके उसको एक और करके फिर ग्रे करो, क्योंकि ये ना ओरिजिनल फाइल को ग्रे कर दिया तो फिर वापस कलर वापस नहीं आते, फाइल में से यदि ग्रे कर दोगे और फिर वापस आरजीबी करोगे फाइल कलर वापस नहीं आएंगे, गए तो गए, अंडरस्टूड? तो हमेशा दो वर्जन बना के रख लेने चाहिए, कलर्ड वर्जन भी रखो और उसका ग्रे स्केल अलग से बना के रखो। क्लियर है भी बात? व्हाट एल्स? तो वो हो गई ग्रे स्केल। ड्यूअ टोन के बारे में हम आराम से बात कर लेंगे एक आध दिन, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो प्रिंटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसका कोई भी इंटरनेट से ना वेब से या फिर वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, डियोटोन इज एन एक्सक्लूसिव जस्ट लाइक सीएमआई के, ठीक है ना? और लैब कलर भी एक नया कलर मोड, एक एलएवी बोलते हैं इसको, लैब भी बोल के, एलएवी, एलएवी एक अलग ही चीज है, मैं अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये प्योर मैथमेटिक्स है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को अभी मैं इस स्टेज पे कंफ्यूज करूँ, तो मैं इसको अलग से बता दूंगा। अब आपको मैंने कहा चार कलर मोड बता दिया कि नहीं? अब आप सोच रहे होगे सर ये तो आपने ऐसे समझा दिए, अभी देखोगे जब मैं कलर करेक्शन करूंगा तो देखना आज की कहानी का कितना रोल होगा, जो आज हमने अंडरस्टैंड किया है ना, ये कलर करेक्शन के टाइम बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंड करने की चीज है। लेकिन आप घर जाके, आप लोगों को एक्सरसाइज है कि इंटरनेट पे जाओ, कलर मॉडल देखो, आरजीबी देखो, सीएमवाई के देखो, ग्रे स्केल मॉडल देखो, मॉडल देखो, उनकी पिक्चरें देखो, क्योंकि पढ़ने से कभी कभी नहीं समझ में आएगा, आराम से उनको उसी से देखने की कोशिश करो, समझो, और थोड़ा यदि विकिपीडिया पे या कहीं से आरजीबी मॉडल के बारे में, सीएमआई के मॉडल के बारे में थोड़ा और डिटेल, आधा आता है समझ तो जो आ रहा है आने दो, बस पढ़ते चले जाओ, नॉलेज एक ऐसी चीज है कि एक बार में नहीं आती, धीरे धीरे धीरे, तो मेरी जब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तो आपकी वो पीछे जाके कनेक्ट करोगे आप, लेकिन ये नॉलेज आप गेन कर लोगे तो कल कल को सुपरविजन मैनेजरियल रोल्स पे इसकी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। 2019 में आई वाज अ इनवाइटेड लेक्चर इन अडोबे, मतलब मैं उनको जो वो बनाते हैं उन्हें उनको उन्हीं की चीज उन्हीं को सिखा रहा था, तो उनकी एक बहुत बड़ी कॉल सेंटर की टीम है जो नोएडा में बैठती है, और वो जो कॉल्स लेती है वो पूरी दुनिया की कॉल्स लेती है, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया बीपीओ हब है दुनिया का, तो जो बीपीओ हब है, बीपीओ हब मतलब अडोबे के ऑफिस में ही बैठते हैं वो लोग, तो अडोबे के ऑफिस में उनको लोगों के कॉल आते, किससे कॉल आते, कभी एडवर्टाइजिंग डिजाइनर से आएगी, कभी फोटोग्राफर से आएगी, क्योंकि उन्होंने उनका प्रोडक्ट खरीद रखा है, किसी ने फोटोशॉप, किसी ने इलस्ट्रेटर, किसी ने प्रीमियर प्रो, किसी ने आफ्टर इफेक्ट्स, और वो उनको जो प्रॉब्लम फेस होती है वो उनके कॉल सेंटर में कॉल करके पूछते थे, तो दे हैव इन्वाइटेड मी एज अ लेक्चरर, और उनकी जो थीम थी कलर विजन एंड इल्यूमिनेशन, ये उनका एक सब्जेक्ट था कलर विजन एंड इल्यूमिनेशन, इसके ऊपर मैंने उन लोगों को कुछ 3 से 4 क्लासेस की ट्रेनिंग दी थी, 8-8 घंटे की, और उसकी प्रेजेंटेशंस भी पड़ी हुई हैं, अभी देखूंगा निकाल के आपको कभी लगा, तो उनके बारे में, उनके पास जो टीम्स बैठी थी उनके कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए थे, वो पहले से ही बहुत कुछ जानते थे क्योंकि अडोबे ने उनको ट्रेंड किया हुआ था प्रोडक्ट से संबंधित चीजों के जानने के लिए, कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटर ने बोला कि भाई मैं ये कलर बना रहा हूँ लेकिन जब मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फाइनली इसको सेव कर रहा हूँ तो ये कलर बदल रहा है, जब मैं इसको प्रीमियर में काम कर रहा हूँ तो इसका कलर ऐसा है, लेकिन जब मैं इसकी MP4 या कुछ बना रहा हूँ तो फाइनली कलर बदल जा रहा है, या फिर यही काम प्रिंट डिजाइनर बोल रहा था कि भाई स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, प्रिंट हो गया है, कुछ और हो गया, सो दे वर लाइक फोटोग्राफर्स, वेब डिजाइनर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स और गेमिंग आर्टिस्ट, ये लोगों की टीम वहां पे बैठी थी जिनको आई हैड टू ट्रेन देम, ट्राई टू टेक अ क्वेश्चन, सो मैंने क्या कोशिश की, मैं उनकी डेप्थ में गया, पहले बेसिक पे गया, बेसिक्स को अंडरस्टैंड कराया, ताकि जब वो आंसर करें किसी को तो सामने वाले को वो कन्विंस कर पाए, समझा पाए कि भाई व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कलर,
Understand? So the color is something which I'm very much groomed in understanding level पे आप बोल सकते हो. So all you need to do, you just have to brush up. आप थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा understand करिए और धीरे-धीरे धीरे आपको चल के ये चीजें समझ. आज हो सकता है आपको कम समझ में आए, लेकिन you are still lucky कि आपको आज इतना पढ़ रहा है. जो हमने पढ़ा था तो हमें इतना color को इतना detail में किसी ने नहीं समझाया था, है ना? So फिर हम coming class से adjustment शुरू करेंगे, levels, curves and everything. Understood? So we'll carry on with this discussion. Okay, any questions? किसी को कुछ पूछना है? No, sir. चलिए, तो आप फिर प्लीज इसको थोड़ा सा पढ़ता और फिर हम कैरी ऑन करेंगे डिस्कशन को. ओके, थैंक यू.